सो हे गाइस, वेलकम बैक। हो चुका है आप सबका हमारे नए ब्लॉग के अंदर। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि मेरे पीछे हो रही है बारिश झमझमा। दिन काफ़ी ज़्यादा मस्त और सुहाना हो चुका है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो मस्त बारिश हो रही है। काफ़ी बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा था कि ये बारिश बंद हो तो फिर मैं कहीं घूमने जाऊँ, लेकिन आज सुबह से बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तो फिर मैंने सोचा तो अब खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं। तो आज हम अपनी बाइक को थोड़ा सा और अपग्रेड देने वाले हैं, क्योंकि अभी मेरे पास अमेज़ॉन से मेरे दो कोरियर्स आए थे जिसके अंदर मैंने मेरी बाइक का वाइज़र ऑर्डर किया था और रेडिएटर ग्रिल गार्ड ऑर्डर किया था इसका। तो आज हम इसको लगाने वाले हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा वाइज़र है जो कि बहुत मस्त लगने वाला है, और ये रेडिएटर ग्रिल गार्ड है। इन दोनों को करते हैं इंस्टॉल जल्दी से, और फिर अगर बारिश रुकती है तो फिर हम प्लान करते हैं। जैसे अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मैंने ये लाइट भी लगा दी है यहाँ पे, जिससे कि थोड़ी सी ब्राइटनेस बनी रहे यहाँ पे। तो करते हैं इंस्टॉलेशन को फटाफट से स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये रेडिएटर ग्रिल गार्ड लगाने वाले हैं, जो कि लगेगा यहाँ कुछ इस तरीके से। तो चलिए करते हैं अब इसको स्टार्ट ओपन करना। तो बेसिकली हमें रेंच के पीछे वाला बटन दबाना है और रेंच को इसमें फिक्स करना है। तो अभी यहाँ से गिर के मेरा बोल्ट ही नीचे गिर गया है, वो मिल नहीं रहा है यहाँ पे, यहीं कहीं गिरा था इजीली। क्या यार, ये रहा, लो फाइनली हमको मिल गया, हम गलत जगह देख रहे थे। तो अभी करते हैं इसको फिक्स फटाफट से। ये स्पाइडर कहाँ से आ गई? स्पाइडर बैठा, अभी मैं स्पाइडर बन नहीं चाहता। सो अभी हमारा ये रेडिएटर ग्रिल गार्ड बहुत अच्छे तरीके से लग गया, अभी स्क्रू पर ही टिका हुआ है। अब इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे इसका वाइज़र, तो वो भी लगा देते हैं। मतलब मेरा जो मन था, मैं मॉडिफिकेशन बाहर भी करा सकता था, लेकिन मतलब मेरी बाइक है तो मतलब मैं सोच रहा था कि मतलब इसको क्यों ना अपने हाथों से ही तैयार किया जाए। मतलब बेसिकली सारे मॉडिफिकेशन मैं अपने हाथ से ही करने वाला हूँ, मतलब इवन मैं खुद ही करूँगा, मैं बाहर नहीं करवाने वाला। अगर कुछ ऐसा कुछ मेजर चीज़ अटकेगी, मेजर चीज़, तो ही मैं बाहर मॉडिफाई कराऊँगा उसको। तो अभी बारिश आ रही है, उस वजह से ये गीला हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा वाइज़र कुछ लगाने के बाद ऐसा लगेगा। और इस वीडियो के एंड में इनके लिंक भी मैं अमेज़ॉन के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो अभी करते हैं इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट। सो अभी हम लगाने वाले हैं इस वाइज़र को इसके ऊपर, और ये आई थिंक ये हम जो रेंच सेट है उसके अंदर से मैंने ये निकाल लिया है। थैंक यू। इसको खोल दिया है, खोल क्यों दिया, इसका खोलना ही नहीं था। तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब हमें सिंपली करना क्या है, वाइज़र को यहाँ रखना है होल पे, होल मैच करके स्क्रू लगा दो। सो फाइनली अभी हमारी वाइजर लग चुका है, इतना कूल लग रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसा सा कुछ लग रहा है, मतलब अलग ही ब्रूटल लुक आ रहा है इसका, एकदम अलग ही बीस लुक दिख रहा है इसका मुझे। अब मतलब हर एंगल से अगर आप देखो क्या लग रही है, मतलब अलग ही लेवल का लुक कर दिया इसने इस जरा से वाइजर के। तो अभी इंजॉय करो छोटा सा एक बी रोल, और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अभी हम कहीं जा भी पाएंगे इस मौसम के अंदर या नहीं, नहीं तो फिर मुझे ये व्लॉग यहीं एंड करना पड़ेगा। तो अभी बी रोल्स को एंजॉय करो। अच्छे लगे होंगे, और मैंने नीचे रिंग लाइट लगा लिया अलग ही मज़े ले रहा हूँ। अभी इतना ब्राइट और ग्लो मेरा चेहरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी कैमरे के पीछे रिंग लाइट लगा रखी है, और अभी भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि आज हम कहीं जा पाएंगे, और मुझे इस ब्लॉग को यहीं एंड करना पड़ेगा।
सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन अगले ब्लॉग के अंदर हम पक्का कहीं ना कहीं छोटी राइड पे जाएंगे वैसे तो। अब इस वीडियो को हमें एंड ही करना पड़ेगा क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और इसने हमारे शाम के प्लान को बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और इन वाइज़र रेडिएटर ग्रिल और रिंच सेट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है तो। तो करते हैं इस ब्लॉग को एंड यहीं, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छे नहीं लगते हैं तब भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले फ्यूचर्स के अंदर अच्छा अच्छा कंटेंट ऑन द वे है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।